कितनी ज्यादा पावर का कुछ मिलता है। ऑफ कोर्स प्राइस तो थोड़ा सा ज़्यादा होने वाले, करीब 10 या 11 हज़ार इसका प्राइस ज़्यादा होने वाला है, तो मैं वीडियो बताऊंगा स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो गाइस देख लेते हैं कैसे फॉर्म करते हैं गेमिंग में, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ग्राफिक्स कार्ड जो हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं हमारा RTX 3080 जो लॉन्च हो चुका है करीब 2 महीने पहले। देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। तो गाइस 3000 सीरीज का एक हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी जो मेमोरी है वो है 10 GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी, एंड इसमें GPU नेम है वो है GA102, और इसकी बेस क्लॉक है वो हमारी है 1440 MHz, एंड जो बूस्ट क्लॉक है वो 1710 MHz। ये कई कई वेरियंट के हिसाब से बदल भी सकती है, कुछ गेमिंग एक्सट्री वेरियंट्स आते हैं उनकी हाई होती है थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी। वही बात कर लेते हैं मेमोरी बस की, तो इसकी 320 बिट की मेमोरी बस है, एंड इसमें जो आर्किटेक्चर मिलता है वो आपको मिलता है एम्पेयर जो 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। अभी भी एनवीडिया उसी आर्किटेक्चर को रन कर रहा है, बट देख लेते हैं थोड़ा ऑप्टिमाइज उन्होंने बढ़ाया होगा। वही बात कर लेते हैं इसके TDP की, वो इसके 320 वाट्स, एंड जो इसके रिकमेंडेड पावर सप्लाई चाहिए वो है 700 वाट्स, एंड टेक का कोई भी पावर सप्लाई लगा के इसको रन कर सकते हो आराम से। मैंने खुद इसके PC बिल्ड देखे जो बहुत कम पावर सप्लाई भी बढ़ा है रन कर पा रहे थे। वही बात कर लेते हैं इसमें पोर्ट्स जो आपको देखने के मिलेंगे वो है 1 HDMI का पोर्ट एंड 3 डिस्प्ले के पोर्ट्स। वही बात कर ले पावर कनेक्टर, तो आपको इसमें 12 पिन का एक पावर कनेक्टर लगाना पड़ेगा अपने पावर सप्लाई से डायरेक्ट इसमें पावर देने के लिए, जिससे ये रन होगा। इसके जो प्राइस है वो 62,000 जो आपको NVIDIA के ओरिजिनल साइट्स पे मिल जाएगा। ये 400 सीरीज का प्राइस है, तो अलग कोई एडिशन लेने जाओगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। वही बात कर लेते हैं इसके TI वेरिएंट के बारे में, जिसका पूरा नाम है RTX 3080 Ti। ये 3000 सीरीज का आई थिंक द बेस्ट एंड द वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड होने वाला है। इसकी जो मेमोरी है वो है 20 GB की GDDR6 टाइप की, एंड भाई इसका जो GPU नेम है वो भी है GA102, मतलब उसका चिप है उसका नाम है GA102। उसका बेस क्लॉक है वो 1335 MHz, जो बूस्ट क्लॉक है वो 1635 MHz। इसके फाउंडर एडिशन की क्लॉक स्पीड थोड़ी सी कम होने वाली है, बट कुछ अलग वेरिएंट्स में इसकी स्पीड और ज़्यादा हो सकती है। वही बात कर लेते हैं इसका आर्किटेक्चर, वो भी 8 नैनोमीटर पे पुराना वाला ही एम्पीयर बेस्ड है। इसके TDP है 350 वाट्स, एंड इसका रिकमेंडेड पावर सप्लाई हुआ 750 वाट्स। जब कोई भी नॉर्मल से पावर सप्लाई लेके रन कर सकते हो, बट हाँ लेना 80+। एंड वही बात कर लेते हैं पोर्ट्स की, तो इसमें एक HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा, 3 डिस्प्ले के पोर्ट्स, मतलब 4 डिस्प्ले एक बार में रन कर सकते हो 4K या 8K रिजोल्यूशन तक, जिसकी ओरिजिनल साइट पर लिखा है। बट आप RTX 3080 को भी 8K रिजोल्यूशन तक रन कर सकते हो। वही बात कर लेते हैं पावर कनेक्टर की, तो इसमें आपको 1 12 पिन का पावर कनेक्टर देना पड़ेगा अपने पावर सप्लाई से, तो आप जो भी पावर सप्लाई लेंगे उसमें ध्यान रखना कि इसमें 12 पिन पावर कनेक्टर होना चाहिए। वही मैंने इसको और सर्च किया तो मुझे पता चला कुछ साइट्स पे कि ये 4% स्लोअर है RTX 3090 से, बट वही RTX 3090 में इतनी ज़्यादा VRAM है, तो अगर आपको ज़्यादा VRAM का काम है तो आप RTX 3090 लो, वरना आप इसकी तरफ जाओ, ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है अभी तक के लिए। एंड वही इसका जो प्राइस है वो है करीब 999 डॉलर्स, ये कोई कंफर्म प्राइस नहीं, इसका ज़्यादा भी उससे कम भी हो सकता है। आप मान सकते हो इंडिया के हिसाब से 73,590 इसका प्राइस होने वाला है, बट हाँ आपको अभी स्टार्टिंग में इसकी स्टॉक नहीं मिलेगा तो स्टार्टिंग में प्राइस हाई जाएगा, बट हाँ 1 या 2 महीने बाद इसके लॉन्च के इसका प्राइस स्टेबल हो जाएगा, तब आपसे बाय कर सकते हो आराम से। तो भाई बात हो गई स्पेसिफिकेशंस की, तो अब देख लेते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं बेंच मार्केट में। तो शुरू करते हैं बेंच मार्केट को। Your spirit up above, oh, ooh. Hey, you made me, oh, you made me a believer, believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God, they keep the pain. I was broken from a young age, taking my soul in. The masses writing my poems for the few that look at me, talk to me, shift to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Oh.
सो गाइस जो भी बेंचमार्क आपने इस वीडियो में देखे हैं वो कोई कंफर्म बेंचमार्क नहीं है, ये बस एक लीक से जो कुछ साइट्स पर आई हैं तो मैंने उन्हीं के हिसाब से इनका एवरेज निकाल के बेंचमार्क किया है। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो करीब करीब 5 से 10% ज़्यादा आ रही है, जब देख सकते हो TI रेट के हिसाब से थोड़ी सी कम है, इनकी और परफॉर्मेंस ज़्यादा आनी चाहिए। तो भी तो लीक, पर जब ये ग्राफिक कार्ड लॉन्च होगा तो इसका पता चलेगा कैसे परफॉर्मेंस देता है। इतना जो इनके प्राइस का डिफरेंस है वो करीब करीब 11,000 अभी साइट पे लीक्स आई है, बट मेरे हिसाब से तो 11,000 वर्थ नहीं करता। बाकी देखते हैं कि इसका प्राइस कितना होने वाला है और परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो कैसी लगी वीडियो करना जरूर था, लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को घंटी आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोज नहीं मिलेंगी। तब के लिए बाय बाय।